हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक FMCG का काफ़ी अच्छा शेयर्स प्रतीत हो रहा है। एज वेल एज मैं आपको बताना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड ने अगस्त के महीने में इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी भी करी है और प्रमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी इसमें स्लाइटली बढ़ाई है। तो जब मैं ऑलवेज बताता हूँ कि जब अब शेयर होल्डर जब प्रमोटर्स होते हैं अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ कंपनी में अच्छा होने वाला होता है। तभी कोई अपनी कंपनी में और इन्वेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि जब उसे पता होगा कि हमारी कंपनी में पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमसे ज़्यादा उन्हें पता होगी क्योंकि वो उस कंपनी के मालिक है, शेयर वो उस कंपनी के प्रमोटर्स है। ओके, CEO जो उनके डायरेक्टर्स होते हैं तो उन्हें पता है हमसे ज़्यादा कि उस कंपनी में क्या होने वाला है, तो इसलिए उन्होंने स्लाइटली चेंज भी करी है, उसमें थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड ने भी उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। तो आइए हम उस शेयर से रिलेटेड बातें कर लेते हैं, बट उससे पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको मिलती रहे। चाहिए चलिए आते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है एक शेयर ADF फूड्स लिमिटेड, तो ये शेयर आज की डेट में है जो जिसमें शेयर होल्डर ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, प्रमोटर्स ने एज वेल एज म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी कुछ उसमें खरीदा है। तो इस कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो ये माइक्रो कैप है, ओके, और इसका लगभग 840.35 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैपिटल है। और इसका जो आपको पी रेशो मिलेगा, पी रेशो काफ़ी कम है, इसके बारे में बात कर लेंगे हम। एज वेल एज इसके नेट सेल के बारे में बात करना चाहूँगा, तो जून में इसके नेट सेल में गिरावट भी हुई है काफ़ी, बट जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये शेयर आज की डेट में ही लगभग 5% की लगभग इसमें जंप दिखाई दे रही है, 19.95 रुपीज़ की। इसके अलावा हम 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। ओके, 5 डेज़ में काफ़ी अच्छा बेहतरीन शेयर आपको दिखाई दे रहा है हरे निशान में, एज वेल एज 1 मंथ में भी आपको हरे निशान में दिखाई दे रहा है, 6 मंथ में भी। बट हम सीधे चलते हैं 1 साल का, क्योंकि मार्च में पैंडमिक हुआ था तो उस टाइम शेयर गिर गया था। तो उस टाइम जब शेयर गिरा था तो लगभग 125 रुपये में ये शेयर आपको मिल रहा था, 125 रुपये के आसपास 23 मार्च को। बस उसके बाद देखिए क्या बेहतरीन इसने आपको रिटर्न दिए, लगभग 235% के रिटर्न आपको इसने 1 साल के अंदर अंदर दे दिए है। इसके बारे में हम बात करेंगे, एज वेल एज मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 1999 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी यहाँ पर, तो ये 5 रुपये 10 पैसे का शेयर हुआ करता था, तो आज की डेट में लगभग 1415 रुपये का शेयर है। तो यही खासियत होती है लॉन्ग टर्म में एक अच्छी कंपनी में रहने की, अगर हम अच्छी कंपनी में रहते हैं तो हमें इसी तरीके के बेहतरीन रिटर्न मिलते हैं। तो एज वेल एज हम इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो देख लीजिए 1 डे में प्रॉफिट में चल रहा है, 1 वीक में, 6 मंथ में देखिए लगभग 172.27% के रिटर्न। ओके, एज वेल एज 10 ईयर्स में देखिए, क्योंकि हमारी पारी हमेशा लॉन्ग टर्म की होती है, हम टेस्ट मैच खेलना पसंद करेंगे क्योंकि टेस्ट मैच में हम अच्छा खेल पाएंगे। 10 ईयर देखिए, 10 ईयर में कितना, 454% के रिटर्न, बैंक की FD से काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको मिल रहे हैं। तो इसकी तरह ये FMCG का बेहतरीन शेयर आपको दिख रहा है। एज वेल एज आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इसमें नॉन इंस्टीट्यूशंस है। ओके, एज वेल एज इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी है, 34.95, जो कि पहले 34.50 थी। तो मैंने आपको बताया था कि स्लाइटली चेंज करी है, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 0.45% की इसमें हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने अपनी बढ़ाई है। फॉरेन इन्वेस्टर, ओके, 0.02% की सेम। म्यूचुअल फंड ने अभी अपनी हिस्सेदारी अब बढ़ाई है, जो कि अब मैं आपको दिखा दूंगा अभी, क्योंकि इसमें अभी अपडेट नहीं हुआ है, अदरवाइज इसमें और आपको म्यूचुअल फंड दिखाई देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी की कोई हिस्सेदारी नहीं है, टोटल DIS जो है अपने 2.82। ओके, एंड नॉन इंस्टीट्यूशन 62.20, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम करी है, तो काफ़ी फिर भी 62.20% की हिस्सेदारी, और कोई भी शेयर इनका प्लेस नहीं है। ओके, आइए सीधे सीधे हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो जैसे कि दिखाई दे रहा है कि इन अगस्त म्यूचुअल फंड मेड फ्रेश बाइंग इन 8 स्टॉक्स एंड एग्जिट 4 काउंटर्स। तो म्यूचुअल फंड ने 8 ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करी है, ओके, और 4 स्टॉक्स में उन्होंने एग्जिट भी किया है। तो उनमें से जो एक एक में उन्होंने एंट्री करी है, तो आइए उसकी तरफ देख लेते हैं। तो जो उन्होंने करी है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ITF म्यूचुअल फंड। ओके, ITF म्यूचुअल फंड ने ADF फूड्स में लगभग 2.6 करोड़ रुपीज़ के, लगभग 74
1918 ओके, मतलब 74,918 शेयर्स ओके उन्होंने खरीदे हैं ITF म्यूचुअल फंड ने, कितने रुपए के, 2.6 करोड़ रुपीस के। तो इसलिए ही आपको ये कंपनी आपको भागती हुई नज़र आ रही है। एक बार इसके हिस्ट्री के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो हिस्ट्री देख लीजिए। जैसे कि ADF फूड लिमिटेड है ओके, अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स लिमिटेड, तो इनके प्रमोटर्स है हरिराम एंड मेवा वाला और रमेश ठक्कर एंड किशोर ठक्कर। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सामने, आप देख लीजिए, ये एक कंपनी ऑपरेट्स इन एग्रो बेस इंडस्ट्री ओके, एग्रो बेस इंडस्ट्री में काम करती है, एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ए वाइड रेंज ऑफ कैन बॉटल एंड प्रोसेस वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फूड्स फॉर द एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट। तो इनका जो काम है केवल ये इंडिया में ही काम नहीं करते ओके, एज वेल एज ये एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने अपने सम अपनी जो इनकी स्टफ्स है जो जो ये बनाते हैं, एज वेल एज और देख लेते हैं, विद इन द कंट्री द कंपनी मार्केट पिकल्स एंड मसालाज। तो ये मसाला और पिकल्स में भी काम करते हैं, इनके दो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आपने एड भी देखे होंगे ऐसे ब्रांड्स हैं। तो पहला ब्रांड का नाम क्या है, मदर्स रेसिपी, आपने देखा होगा ओके, मदर्स रेसिपी के नाम से मसाले भी आते हैं ओके, एज वेल एज एक इनका ब्रांड और है अशोका, अशोका इनका ब्रांड है, देख लीजिए। पहले देख लेते हैं फूड, इंडियन फूड लाइंस इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इट्स टर्नओवर ओके, ये फूड लाइन में आते हैं। इट मार्केट्स इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स स्टोर अंडर द कैमल एरोप्लेन एंड अशोका ब्रांड्स। तो अशोका ब्रांड का भी इनका और एज वेल एज ये एरोप्लेन और कैमल, इस ये काफ़ी सारे इनके ब्रांड्स हैं और ड्राई फ्रूट्स में भी ये काम करते हैं। उनके जो सेल्स नेटवर्क है ओके, दो टू डिकेट से है, लगभग 20 साल से है, और कहाँ कहाँ पर है, US अमेरिका में है, UK में है, जर्मनी में है, वेस्ट एशिया ओके, एज वेल एज सिंगापुर, ईस्ट एशिया एशिया एंड एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया। तो काफ़ी अच्छा इनका नेटवर्क भी है, तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन कंपनी आपको नज़र आ रही है। आइए एक बार इसके बैलेंस शीट की तरफ देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, हम रिजर्व्स की सीधे बात कर लेते हैं। तो रिजर्व्स देख लिए कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं, पहले इनका 167 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व्स था ओके, फिर 176, फिर 186, फिर 190, और अभी लगभग 210.93 करोड़ रुपीज़ का इनका रिजर्व्स इनके पास है ओके। एज वेल एज इनके डेट की बात कर लेते हैं, तो देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग ओके, लंबे समय के लिए इनके पास कोई भी डेट नहीं है, जीरो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, बस शॉर्ट टर्म के लिए इनके पास कर्ज है ओके, बोरोइंग है इनकी लो जो है 23.16, मतलब 23 करोड़ रुपए के आसपास का इनका कर्ज है इनके पास। इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस की एक बार बात कर लेते हैं, तो देखिए कैश एंड बैंक बैलेंस पहले 7.85 करोड़, फिर 9.45, 27.62, 16.38 और 26.56 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व आज की डेट में इनके पास है ओके। तो काफ़ी अच्छी इनकी बैलेंस शीट भी आपको नज़र आ रही है ओके, डिविडेंड भी कंपनी दे रही है ओके, एज वेल एज इसके इधर आज का परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। तो 52 वीक लो, जैसे कि ऑलरेडी बताया था, जब मार्च का पेंडेमिक हुआ था, शार मार्केट ही क्रैश हो गया था, उस टाइम 123 रुपीज़ का ये शेयर मिल रहा था और आज 419 रुपीज़ का शेयर है। ट्रेडिंग क्वांटिटी देख लेते हैं, लगभग 40.55% रूप की आज ही डिलीवरी उठाई गई है, आज की डेट में ये डिलीवरी। पी रेशो की बात कर लेते हैं, देखिए इंडस्ट्री जो FMCG इंडस्ट्री है, इसका लगभग 40 का पी रेशो है, बट इसका पी रेशो उससे भी कम है, 28.28। एज वेल एज कंपनी इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ओके, डिविडेंड 2020 में अभी 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया है, 19 में भी इन्होंने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, एज वेल एज कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जैसे कि ये कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ माइक्रो कैप कंपनी का फंडा क्या होता है, आपके साथ डिस्कस मैंने कल भी किया था, एक जब मैंने वीडियो बनाई थी एक जेनेट मेडिकेयर, तो वो भी एक माइक्रो कैप कंपनी थी, ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो माइक्रो कैप में RRR साथ में चलते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है ओके। माइक्रो कैप कंपनी है, तो अगर बढ़ेगी तो देखिए 6 मंथ में, 1 ईयर में भी, आप अगर मार्च के पेंडेमिक से देखते हैं ओके, लगभग 200 कुछ परसेंट के, 235% के रिटर्न इसने दिए ओके, और अगर ये रिटर्न इस तरीके से दे सकती है तो ये मारी है, कभी भी गिर भी सकती है। बट जैसे कि इसका पास्ट का परफॉर्मेंस भी हमने देखा है, FMCG से रिलेटेड भी है, अच्छी जगह पर इसके बिजनेस भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा किया जा सकता है। और इसका चार्ट पैटर्न भी देखते हैं, जैसे कि हम, तो
ये कंपनी का चार्ट पैटर्न हमेशा आपको मैक्सिमम जब से शुरू हुई है तब से हरे निशान में ही और अच्छी तरह आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छा। बट इसके लिए आपको काफ़ी वेट भी करना पड़ेगा, अगर कल की डेट पे ये मार्क ये गिर भी जाती है तो देखिए किस तरीके से बड़े बड़े इसने आपको गैप भी दिए, ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। तो काफ़ी माइक्रो कैप कंपनी है तो यही होता है, रिस्क और रिवॉर्ड साथ में। चलेगी तो भागेगी तो बहुत तेज भागेगी, और जब गिरेगी तो 419 रुपये का शेयर 40 रुपये पे भी आ सकता है। ओके, तो उस चीज़ का भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए इसमें अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ही इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए। ओके, एज वेल एज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो दैट्स इट दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कोशिश अच्छी लगी हो मेरी इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हम इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्त फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप इस तरीके की बेहतरीन और नए शेयर से आपको रूबरू कराते रहूँ, एज वेल एज आपको फंडामेंटल्स की भी जानकारी थोड़ी बहुत दे सकूँ। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।